नया सिपाही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, हम आपके लिए वो रिक्वेस्ट है, पर जो वो भैया के साथ गलत बर्ताव किया है हम लोग अपना करते हैं। तो यहाँ कुछ कर अब जाने के बाद आदमी को किसी को थोड़ा उस पर आप सुनिए, आप मेरा बात मानिए, जब थके जितना एनर्जी आया आपसे नहीं, मैंने आपसे नहीं, मेरे भाई लोगों से हुआ ना, तो जोहार झारखंड, जय झारखंड। आप लोग को पता ही होगा कि हमारे रामगढ़ विधानसभा में 3 दिन से पूजा मातो और बेबी मातो यहां पे जन जागरण कर रहे हैं। उसी दरमियान में आज कितना तारीख है, 9 तारीख, और 9 तारीख आज 9 तारीख को हम सभी लोग यहाँ देख सकते हैं, हम लोग माँ छिन्नमस्तिका के दरबार पहुँचे हुए थे और पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे हमने सुना कि इन लोग को सभा करने के लिए भी जाना था, हमारे पास टाइम कम था, जिस कारण से हम लोग को जो इधर से सामने से जो गेट है वहाँ से हमारे जो भाई दादा लोग थे जो यहाँ पे रहते हैं हमेशा, वो लोग बोले कि हम लोग आप लोग को जल्दी से वहाँ से पूजा करवा के निकाल देंगे। उसके बाद जब हम लोग गेट के सामने गए तो गेट के सामने हमें प्रशासन के लोगों ने रोका और हमारे जो भाई दादा थे उनके साथ दुर्व्यवहार किए। तो हमारे साथ पूजा दीदी है, ये घटनाक्रम को सामने से देखिए, इनसे हम लोग बात करते हैं और इनसे जानते हैं आखिर क्या कुछ हुआ था। पूजा दी, क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज हम लोग खोखा गांव में थे, अभी हम लोग का मदनपुर में सभा है, तो हम लोग यहाँ रजरप्पा सोचे 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, दर्शन कर लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचे तो हमारे कुछ भाई लोग हैं जो दुकान चलाते हैं यहाँ, जिनसे रोजगार करके जिनका दिनचर्या चलता है, तो वो भाई लोग बोले दीदी आप लोग का तो आज बदनपुर में सभा था। हम लोग बोले हाँ, तो चलिए VIP गेट से घुसा देते हैं, जबकि मेरा जाने का मन नहीं था कि वो जो रूल है वो गलत है, फिर भी भैया लोग बोले दीदी चलिए लंबा लाइन है तो आप लोग का लेट हो जाएगा। तो जैसे ही भैया लोग हम लोग को वो उस VIP गेट से अंदर ले जा रहे थे, वहाँ पुलिस लोग बोले कि तुम लोग कौन है, कहाँ का है, बड़का VIP है, सब तुम ही लोग का है। ठीक है, हम लोग VIP नहीं है, हम लोग तो जाना भी नहीं चाहते थे उस गेट से, लेकिन आप लोग फिर कुछ लोगों को अपना पैकेट गर्म करने के लिए क्यों घुसाते हैं? अगर रूल है तो सबके लिए होना चाहिए, माँ के दरबार में ये VIP रूल नहीं चलता। और यही जो पुलिस अधिकारी लोग हैं जो मंदिर में घंटों लंबा लाइन जो लगा हुआ रहता है, बस यही लोगों के लिए लगता है कि जो कुछ लोगों को VIP बनाकर अंदर से घुसा लेते, जब कुछ लोग मंदिर में VIP बनकर अंदर से जाएंगे तो आंगन का लाइन है तो वो लंबा होगा, वहाँ के लोगों को तो टाइम। तो इस पूरे झारखंड में इतना घुसखोरी हो रहा है, कम से कम जो भगवान का जगह है, जो माँ मंदिर का जगह है, उसको तो आप लोग अपना पैकेट गर्म करने के लिए छोड़ दे। अगर ये रूल है तो सबके लिए होना चाहिए कि माँ के दरबार में कोई VIP ना हो, चाहे वो यहाँ का CM ही क्यों ना आए, वो लाइन लग के जाएगा, वो जनता का सेवक है, वो जनता के साथ लाइन लगेगा ही नहीं, तो अगर वो लाइन लगेगा तो वो समझेगा, जनता से बोली चाली करेगा, जनता का दुख दर्द क्या है। VIP यहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो झारखंड का CM ही क्यों ना हो। जय झारखंड, जोहार झारखंड। VIP गेट ही नहीं भी मंदिर में, चाहे वो झारखंड राज्य हो या किसी भी राज्य में, VIP गेट ही नहीं होना चाहिए। अरे आप भी इंसान है और जो घंटों से लाइन लगे वो भी इंसान है, फिर VIP और नन VIP का सिलसिला कहाँ? ये VIP और नन VIP का सिलसिला कुछ नेता लोग, कुछ अधिकारी लोग अपना पैकेट गर्म करने के लिए करते हैं। तो हम सभी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि माँ के दरबार को पुलिस कर्मी लोग अपना पैकेट गर्म करने के लिए छोड़ दे, माँ के दरबार में सभी एक समान है और हर कोई तो इंसान है भाई, तो फिर इसमें VIP क्या? अगर आप लोग को पैकेट गर्म करना है तो भीख मांगने बैठ जाइए ना कटोरा लेके, कि हमारा जो तनख्वाह होना चाहिए सिर्फ एक गेट होना चाहिए, और अगर आप लोग का पेट नहीं भर रहा है तो इसके लिए VIP नहीं, रोड में बैठ जाइए, कि जो हम लोग का मंथली है उससे हम लोग का पेट नहीं भर रहा है तो हम लोग घुसखोरी ना करें और रोड में कटोरा लेकर भीख मांगे। जय झारखंड, जोहार। पूजा दी, आपको फिर प्रशासन के लोग आके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चलिए पूजा कर ले, तो काहे नहीं गए आप? हम इसलिए नहीं गए क्योंकि वो लोग जान गए कि ये लड़की लोग है, अब हम लोग को ये लोग छोड़ने वाली नहीं है। अब झारखंड में, पूरे झारखंड में ये चर्चा होगा कि आज के रजरप्पा प्रांगण में हुआ क्या। इसलिए एक भैया हमसे बहुत रिक्वेस्ट भी किए कि बहन हम तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है, मेरा मान सम्मान रख लो, चलो आई है तो माँ का दर्शन कर लो। और हम आपको बता दे रहे हैं कि हम रजरप्पा मंदिर आए, हम लोग अभी सभा है लेकिन हम माँ का दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि अगर लंबा लाइन है, अगर हम वहाँ दर्शन करते हैं तो जो अभी अगले सभा में जाना है वो देर हो जाएगा। तो बगल में शिव मंदिर है, वहाँ पे हम लोग माथा टेक लिए हैं और वो पुलिस भैया उनका सम्मान करते हैं, वो बड़े दादा है हमारे, जो बोले कि वो ये भी बोले कि उसका समझ नहीं है, ड्यूटी करके उसका दिमाग गर्म हो गया, माँ के यहाँ इतना हल्ला नहीं करना चाहिए, तो वो माँ के दरबार में इतने घंटों से तो उसका दिमाग सबसे शांत होना चाहिए, और दिमाग गर्म हो गया तो बस हमारे लिए गर्म हुआ। फिर
फिर दूसरों को हमारे बगल में जो लोग खड़े थे अभी तुरंत उसको घुसाया और 5 मिनट में उसका पूरा फैमिली पूजा करके निकल गया। फिर उस बाहरी के लिए उसका दिमाग गर्म क्यों नहीं हुआ? वो पुलिस उसको कैसे घुसा लिया? उसका रिश्तेदार था, उसका बहन था, उसका जीजाजी था, क्यों घुसाया उसको? सबके लिए एक समान का रूल होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था को? यहाँ के प्रशासन ने पूरे झारखंड और पूरे भारत राज्य के प्रशासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भगवान का स्थान है उसको आप लोग लूटना छोड़ दे, वहाँ पे दो भेद करना छोड़ दे कि कोई VIP है कोई नॉन VIP है, और जनता को शांति से जीने दे, कुछ रुपया ही कमाए पर ईमानदारी से कमाए।